आग लगा या इंसान की तबीयत खराब है या आग लगा रहा है। हेलो हेलो, कहाँ जा रही हो? बताऊँ मैं? आगे स्कूल से। आगे स्कूल से? अब तो फोर्थ क्लास में आ गया, अब तो बड़ा बच्चा हो गया। अब से पेन यूज कर सकते हो ना? सेकंड टर्म। क्यों, फर्स्ट टर्म में नहीं? ऐसा क्यों? मैम ने बोला। अच्छा, मेरे से थोड़ा दूर रहना, वंज पे बीमार है वैसे। सब पता तेरे को है? सब पता है? सब पता। मेरे को हग ही देनी तेरे को, बट मैं दे नहीं सकता। नहीं दे सकते? चल हैंड शेक तो कर ही सकते हैं। अरे एम ही अच्छे से कर ले हैंड शेक। मरा हुआ आदमी देख लो भाई, मरा हुआ आदमी। बोल भी रहा हूँ तो सिर में इतना, मतलब सुइयों टाइप जो दर्द होता है ना, वो रहा हूँ मैंने। हाँ, शेव नहीं करी थी, ये दाढ़ी ट्रिम कर ली, ये साइड की शेव कर ली थी, इस साइड की भी शेव कर ली थी, मतलब साइड साइड वाली मैंने हटा दी, लेकिन नीचे की बीच वाली सारी ट्रिम कर दी थी मैंने रात में। और ये मुस्टैश मैंने निकाली, मुस्टैश बढ़ा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं कितनी बढ़ती है। नहीं हुई यार, वो नहीं संभली, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी ना नहीं संभलती मेरे से, बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को, अजीब सा लग रहा था बहुत। वेल, सुबह से मेरी हालत बहुत टाइट है, सुबह से तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था। अभी दवाई ली है, सिर का दर्द थोड़ा सेटल डाउन हुआ है, बॉडी एक थोड़ा सेटल डाउन हुआ है, गले का दर्द थोड़ा सेटल डाउन हुआ है, सो आई कैन स्पीक नाउ। वरना गले में इतना दर्द, सर में इतना दर्द, बॉडी एक इतना कि बिस्तर से ही नहीं उठा जा रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी मेरी, बस हाय हाय हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। ठीक है, अभी भी है ऐसा नहीं, बॉडी नहीं है, है अभी भी तगड़ा हो रहा, दर्द बहुत हो रहा मेरे, बट कुछ कर नहीं सकता मैं। अब एकदम से पता नहीं मेरे को कैसे वायरल हुआ है, फीवर हुआ है, क्या हुआ है, रात से ना अजीब सी घुटन हो रही थी, और कल सुबह से ना मेरे को, जब से मैं उठाऊ कल, गले में बहुत दर्द सा हो रहा था, वैसे रफनेस सी लग रही थी। अब दे दो काढ़ा, दे दो गर्म पानी में। अब उसके बाद भाई साहब पता नहीं क्या सिस्टम बैठा, क्या हुआ, ऐसी की तैसी हो गई अपनी, तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं गिरडी भी नहीं जा। अब देखो कुछ करने को है नहीं दिन में, वेला तो मैं बैठा रहूंगा, मेरे को शूट करना था आज भी बॉयज एक्स्ट्रा के लिए, लेकिन शूट वाली हालत मेरी एग्जैक्टली नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैं शूट तो नहीं करूंगा, जब मैं शूट कल ही करूंगा, क्योंकि मेरे को 30 days 30 outfits वाला मैंने चैलेंज लिया है बॉयज एक्स्ट्रा पे, तो वो कल करके कल ही अपलोड कर दूंगा। आज फिलहाल आज के लिए भी कुछ शूट नहीं करना है, मेरे पे है बड़ा स्टॉक है, मेरे पे रिलैक्सिंग है, तो थोड़ा ऐसे गेड़ा मारने निकल जाते हैं गाने चला के, थोड़े मन को शांति मिले, थोड़ा दिमाग शांत हो, दर्द वर्द है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहो मैं इन चीजों से, तो बेटर होगा। एंड जब आपके लिप्स पूरे चैप्ड अप होकर ड्राई हो जाए ना एकदम, मतलब मैं तो रोज लिप बाम लगाता हूँ, कल तक बिल्कुल ड्राई नहीं थे, आज एकदम चैपी ड्राई लिप्स हो गए हैं, तो दैट मींस दैट यू आर पोटेंशियली, नॉट पोटेंशियली, लाइक एक्चुअली सिक, एंड आई एम एक्चुअली सिक। रीजन भी, सुबह मेरा टेम्परेचर देखा है, इट वॉज 101 in the morning, it was 101. I was like, shit dude, I wasn't even able to like open my eyes, like it was so messed up in the morning. I wasn't even able to like eat the medicine. wohi mama apa ne forcefully khilai hai, ki gale ke niche ja hi nahi raha tha kuch, itna pain ho raha tha. ab to bahut settle ho gaya, warna pehle to it was like extreme wala jo bolte na wo ho raha tha. koi baat nahi bhai, jhel lenge, seh lenge thoda. I got the car keys, we're going for a spin. bhai akele nikalne ki socho ki jaise nithalle school se bhage hue ladke mil jate, koi भागा भागा न्यू, मतलब घर बार नहीं जाना, पहला दिन था जिसकी 11th का भाई, क्या दिन गया। अबे घर बार, तेरा घर बार नहीं है क्या? बुलाया क्यों? मैंने तो नहीं बुलाया, तू नहीं कहा, मैं टावर के सामने, मैंने चला जा, गेट जाने की बात कर रहे थे, मेरे को लगा मूवमेंट है तो ठीक है। मूवमेंट है तो क्या, तूने घर पर परमिशन दी है? घर पे कोई है ही नहीं। अच्छा फिर ठीक है, फिर चल ले। देखो गाइस, परमिशन लेना जरूरी है, और अगर आपके घर पे कोई है नहीं तो फिर आप कुछ भी करो, सिंपल बात है, ठीक है। बड़ा हम निकल गए अपनी गेड़ी के लिए, और आते रहे हम अपनी गेड़ी के लिए निकल गए, कहाँ जा रहे पता नहीं, बस छोटा सा राउंड काटेंगे फिर घर चले जाएंगे। भाई हम घर आ गए तो थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करने, रेस्ट करा है, अब इन सबका कॉल आ गया कि भाई नीचे आ जाओ, सारे नीचे वेट कर रहे हैं। मैंने कहा जी आ रहे हैं, और क्या, सारे साड़ी गैंग दे मुंडे है गया नीचे, तो उदे नाल थोड़ा चिल करेंगे करांगे। भाई सीधी बात है यार, बीमार हूँ मैं, कुछ भी हूँ, मेरे से ना घर पे नहीं बैठा जाता, बस एक ही मेरी बीमारी है अब मेरे को, लेकिन ये चीज़ों से बहुत वरी हो रहा है कि यार मुंबई चले जाऊंगा, मुंबई जाके अगर बीमार भी हुआ यार, तो मम्मा पापा दीदी ये सब देखने के लिए है, वहाँ कौन होगा देखने के लिए? क्योंकि निष्ठा भी, जहाँ मेरा घर है गोरेगांव, ठीक है, गोरेगांव से निष्ठा का घर थाने है, अब जो मुंबई में रहता हूँ पता, गोरेगांव से थाने कितना दूर है, तो भी थोड़ा आ पाएगी, एक एक डेढ़ घंटा तो लगता ही है। हाँ मतलब वहाँ जो दोस्त बनेंगे वहाँ वो करें, देख लेंगे, वैसे चलो देखते हैं यार। अरमान भी तो जा रहा है मेरे साथ, वो होगा ना अपना भाई, मैं उसका क्या रखने लो, मेरा 11वीं चालू नहीं हुई कि मौज मस्ती करने लग गया अभी से ही, ये पहला दिन हुआ है, क्या कर रहा है ये? पता नहीं, व्लॉग बना रहा हूँ भाई। अच्छा। You shoot me, I shoot you. अच्छा 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 भाई, ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए।
मेरा भाई को आज लड़ाई करनी है, लेकिन भाई पे बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं है। मैं यहाँ क्यू आर लगा रहा हूँ, हाथ जोड़ हाथ जोड़। मैं यहाँ क्यू आर लगा रहा हूँ, प्लीज डोनेट करें जिससे मेरा भाई बॉक्सिंग ग्लव्स ले सके। धन्यवाद। और कुछ बोलना भी दूरी ना भाई, ना भाई, बस बॉक्सिंग ग्लव्स चाहिए थे यार। एक जमीन बेचेगा ना 10,000 ग्लव्स आ जाएंगे, समझ आ रही है भाई? तो अबे एक जमीन नहीं, एक बीघा बेच देगा। एक बीघा कितना हुआ दूरी? 1,000 गज। एकड़ में कितना हुआ? एकड़ में होता है 10 बीघा। मतलब ये मैच लगा लेते ना, एकड़ सबसे ज्यादा होता है। सीधी बात है, तू अपने घर का एक लौता बड़ा बेटा है ना, जिसको सारी जायदाद मिलने वाली है ना, तो ज्यादा नहीं। मैं एक तेरे को ऐप बताता हूँ, उस पर सट्टा लगा दियो। वो सुनता हूँ मैं तेरे को, सीधा तेरे से ऑनेस्टली बोलता हूँ, वो ऐप में जो भी तो पैसा लगाएगा ना, तू सब हारेगा, लेकिन वो सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ऐप ही मेरी है। तो तू, तेरा खानदान का पैसा गया और वो सारा पैसा मेरा हो गया। लीगली इलीगली मैंने तेरे से चुराया, लेकिन लीगली मैंने तेरे से ले लिया, सारा चुरा लिया है ना। सही बात है ना? तो यही करेंगे अब अगले 2-3 साल में, ठीक है? चलो डन, अगले 2-3 साल में मैं नोएडा का बिल्ली नहीं। रात बज रहे भाई, इतना फट रहा है ना दर्द में, ऊपर आ गया घर, इतना सर फट रहा है, इतना फट रहा है दर्द से। कुछ भी कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इतना दर्द हो रहा है, वैसे इतना दर्द हो रहा है। 101-102 बुखार है अभी भाई, क्या हो गया ये? खत्म सा ही हो लिया भाई, मैं तो गलत मैटर, पता नहीं क्यों बुखार हो रहा है इतना, लेकिन हाई फीवर हो रहा है अच्छा खासा। अरे रब्बा मेरे, क्या हो रहा है भाई ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? इतना वीक पहले कभी नहीं हुआ मैं, जितना आज हो रखा हूँ। खत्म हालत में, खत्म। कमजोरी आ गई पूरे चेहरे पे, पूरे लिप्स चैप्ड अप है, ड्रिप अलग लग गई। ये देखो आग लगा, यहाँ इंसान की तबीयत खराब है, आग लगा रहे। मैंने अरे ओए नहीं, मत करो भाई उनने दवाई लगा दी तो मैं सही हो गया हूँ, अब मैं बोल पा रहा हूँ। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था इतना, इतनी देर से खत्म हालत में, अब तो सिर दर्द विर दर्द सब खत्म। ड्रिप ही नहीं खत्म हो रही भाई, सिस्टम है। ट्रिप करता था इसलिए ड्रिप लग गई। भाई वैसे रील का आइडिया सही तो नहीं है ये? भाई मैं क्या बोलूँ, घर वालों को लग रहा है कंटेंट के लिए मैं बीमार हूँ। दवाई वो चढ़ ली है, सही हुआ इंसान, कमजोरी हटी है, इंसान सही हुआ है, तो इनको लग रहा है कंटेंट के लिए बस। वह यार जीजी मैं कंटेंट के लिए ये सब फोन ना करूँगा यार, मैं नहीं है फोन उठा लिया। अब काम धंधा नहीं रुकना चाहिए ना, बीमारी थोड़ी सही होगी, अभी दवाई लेनी है। सर काम धंधे से वो तो करो कम से कम, तुम्हारी ये चेपियाँ तो भरी जाए। यार मैं बता रहा हूँ, पूरे रास्ते बेटा बीमार है, भाई बीमार है, ये नहीं देखा मम्मा और भैया ने जो मतलब सुनाने में कसर नहीं छोड़ी, पूरा करा है वो अपना हिसाब किताब पक्का। चला तो गया बहुत कुछ समझ में, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। दो बात सुन भी नहीं समझ ली। रात को 10 बजे 1 बजे लेके भागेगी, हाँ। और ऐसे दोस्त भाई ही काम आते हैं, समझ रहे? मेरा भाई सही हो गया। बस वहीं से मैसेज कर देंगे, और बेबी क्या हो गया, यहाँ पड़ा रहेगा। बेबी की मौत हो रही है।